बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत मज़े में होंगे। और मम्मी बिल्कुल ठीक ठाक। तो यहाँ पर है टाइम 12:30 या 1 बजे का और बन रहा है खाना, और आपको ढेरों ढेर सब्जियाँ नज़र आ रही होंगी। तो मेरे हस्बैंड लेकर आए थे सुबह के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा सब्जियाँ। और व्लॉग है ये कल का, और कल जिस चीज़ें मैं बना रही थी। और वैसे मैंने एक दिन पहले से ना मेके जाने की, आपको टाइटल से पता चल गया होगा, कि तैयारी शुरू कर दी थी और मैंने पैकिंग भी कर दिए, क्योंकि आज रात के टाइम में जाऊंगी, चली जाऊंगी अपने मेके, क्योंकि पता ही है कि मेरी बहन की शादी है। तो इसलिए बस मैं काम करती जा रही थी। और जहाँ पर देखे मेरे हस्बैंड कितनी सारी सब्जियाँ लेकर आए थे, हालांकि मैंने उन्हें कहा था कि पहले भी मेरे पास फ्रिज में काफ़ी सारी सब्जियाँ पड़ी हुई हैं, और आप बिल्कुल भी अभी सब्जियां वगैरह ना लेकर आइएगा, फिर वरना वो इतने दिनों तक पड़ी रहेंगी, शायद ख़राब हो जाएंगी। तो फिर भी वो पता नहीं क्यों भूल गए, और काफ़ी ज़्यादा सब्जियां लेकर आए थे। तो मैं सोच रही थी कि टमाटर और मटर वगैरह इस तरह की जो कुछ चीज़ें फ्रीज हो सकती हैं तो मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ, और बाकी की बस या फिर मैं अपनी हेल्पर को दे दूँगी या किसी को दे दूँगी या फिर पड़ी रहेंगी। क्योंकि मैं जब अपने मेके जाती हूँ ना, तो मेरे हस्बैंड कुकिंग वगैरह कुछ भी नहीं करते, क्योंकि उन्हें कुकिंग करना आता ही नहीं है। सिर्फ वो चाय चाय बना लेते हैं, वो चाय बना सकते हैं या फिर अंडा बॉयल कर लेते हैं, इसके अलावा उन्हें कुछ भी नहीं आता। तो सब्जियाँ लेकर आए थे काफ़ी ज़्यादा, इतनी सारी सब्जियाँ, पता भी है कि मैं चली जाऊँगी। तो यहाँ पर बन रहा है खाना, और आजकल गैस नहीं होता ना, प्रॉब्लम होती है खाना बनाने में। और अभी मेरी जेठानी ने भी और मेरी सास ने भी, मतलब मम्मी ने भी ना, उन लोगों ने भी सिलेंडर ले लिया, क्योंकि गैस होता ही नहीं ना। और अगर पड़े हो तो फिर चलो एक टाइम खाकर काफ़ी टाइम बंदा गुजारा कर लेता है, एक ही टाइम खा लेता है, पर मेरे घर में बच्चे छोटे हैं तो बच्चों वाले घरों में मंचिंग चलती रहती है, मतलब कुछ ना कुछ बच्चों को शाम को भी चाहिए होता है, मतलब खाने के बाद भी ना उन्हें कुछ चीज़ें, कभी नूडल, कभी मैगी बना ली, कभी कुछ बना लिया, मतलब कुछ ना खाते रहते हैं, कभी शामी फ्राई कर ली, कभी कुछ बना लिया, मतलब बच्चों वाले घरों में तो खाना पीना चलता रहता है ना, वहाँ सिर्फ मैं एक टाइम खाना बना के सारा दिन गुजारा नहीं कर सकती, क्योंकि फिर बच्चों को भूख लग जाती है। तो मैं सिलेंडर पर ही बना लेती हूँ खाना। इस टाइम वैसे बिल्कुल भी गैस नहीं होता, नाश्ता सुबह को सवेरे कर लेते हैं, क्योंकि फिर उसके बाद गैस बंद हो जाता है, 8 बजे के बाद गैस नहीं होती बिल्कुल भी। तो नाश्ता सवेरे हम कर लेते हैं, या फिर अगर मैं और मेरे हस्बैंड नहीं, सिर्फ छोटे बच्चे करते हैं, मेरी बेटी और बेटा जो स्कूल जाते हैं तो वो तो नाश्ता करके आते हैं, पर मेरे हस्बैंड और मैं अगर लेट करते हैं तो उसके बाद लंच फिर भी मुझे टाइम पे बनाना होता है, तो मैं सिलेंडर पर ही लंच बनाती हूँ। आजकल जो दोपहर का खाना है मेरा, तो वो सिलेंडर पर ही बनता है, क्योंकि उसके बाद जो गैस है ना, तो 3:30 या 4 बजे आती है, और 3:30 4 बजे तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता है, बच्चे भी स्कूल से आ जाते हैं और बच्चों को तो खाना ज़ाहिर सी बात है चाहिए चाहिए होता है। तो बस यहाँ पर कटिंग हो रही थी और बन रहा है आज चिकन का सालन, उसमें सारी जाएंगी सब्जियाँ, मिक्स सब्जियाँ। और यहाँ पर फिर मैं सोच रही थी, सब्जियों को सारियों को मैंने वॉश कर लिया था, क्योंकि मैंने सोचा कि अगर ऐसे ही मैंने फ्रिज में रख ली ना शॉपर के साथ, तो फिर मुझे सुस्ती हो जाएगी और फिर वैसे पड़ी रहती है ना, ऐसा होता है ना, अगर हम शॉपर के साथ सब्जियाँ फ्रिज में रख लें ना, तो वो फिर 1-2 दिन 2 दिन 3 दिन पड़ी ही रहती हैं। तो इसलिए बस मैं ऐसा करती हूँ कि ना, जैसे ही सब्जियाँ आती हैं तो मैं उनको वॉश कर लेती हूँ साफ़ सुथरा करके, और उसके बाद ही फ्रिज में उनको रखती हूँ। और यहाँ पर बस मैं फ़िलहाल सालन बनाने के लिए मटर जो है तो वो छील रही थी, उसके बाद बाकी के जो सारे मटर थे तो वो भी मैंने निकाल कर और रख दिए थे। यहाँ पर देखिए सिलेंडर पर ही बन रहा है खाना, और पहले मैंने यहाँ पर ही बैठ कर और ये चेयर रख कर मैं बैठ जाती हूँ आराम से, कुर्सी रख के, उसके बाद मैं खाना बनाती हूँ। पर जहाँ पर ना पता नहीं क्यों अंधेरा सा लग रहा था, लाइटिंग नहीं आ रही थी सही से, तो उसके बाद सिलेंडर को मैंने हटा कर ना वहाँ किचन की साइड पर कर लिया था। और मुर्गी की मैंने अच्छी तरह से भुनाई कर ली थी, उसको मैंने गोल्डन फ्राई कर लिया था, उसके बाद उसमें सारी सब्जियां वगैरह मैंने डाल ली थी। और वैसे ना सिलेंडर की जो आग होती है ना, तो वो इतनी तेज़ नहीं होती, वैसे जैसे हमें ना चूल्हे पे खाना बनाने में आधा घंटा लगता है ना, जो चीज़ बनाने में, तो सिलेंडर पर बनाने में उसमें ना आधे घंटे से ना ज़्यादा टाइम लग जाता है। और यहाँ पर साथ ही साथ, क्योंकि खाने के बाद हम चाय ज़रूर पीते हैं, तो देखिए इतना ही गैस होता है इस टाइम, जितना आपको नज़र आ रहा है, शायद आपको नज़र भी नहीं आ रहा होगा कि चूल्हा जल रहा है या चूल्हा नहीं जल रहा हो, थोड़ी सी जगह ना चीनी भी गिर गई यहाँ पर। तो बस यही इतना सा ही आजकल गैस होता है। और पैकिंग मैंने कर ली थी आज शाम के टाइम पर, क्योंकि ना
फिर उसी टाइम ना पैकिंग अगर करो तो फिर कुछ ना कुछ चीज़ें रह जाती है। ये देखें, गाजर का हलवा मैंने बनाया था 2-3 दिन पहले, तो वो भी वैसे ही पड़ा हुआ है। मतलब थोड़ा सा मैंने खाया था, मेरे हस्बैंड ने खा लिया था, बच्चों ने नहीं खाया। तो मैं बच्चों को कह रही थी कि आज तुम सब लोगों ने फिनिश करना है क्योंकि कल हम चले जाएंगे तो फिर पड़ा रहेगा। तो वैसे मेरे हस्बैंड भी ऐसा करते हैं, मगर अगर कोई चीज़ फ्रूट्स वगैरह इस तरह की चीज़ें मैं बना कर रख के जाती हूँ ना फ्रिज में, तो वो खाना ही भूल जाते हैं। या फिर मैं जब उनसे फ़ोन पे बात करती हूँ ना, तो मैं उन्हें याद दिलाती हूँ कि ये चीज़ पड़ी हुई है, आप खा लें। और इस तरह से मैं कोई चीज़ याद करवा लेती हूँ ना, तो वो फिर खा लेते हैं। अगर फ्रूट्स वगैरह है ना, वो मैं टोकरी में डाल के और कमरे में रख के जाती हूँ ना, तो फिर खा लेते हैं। पर फ्रिज से उठाकर वो नहीं खाते अपने आप। और यहाँ पर साथ ही दूध वाला भी आ गया था, तो मैंने फ़िलहाल दूध यहाँ पर डाल कर रख लिया था, क्योंकि गैस तो दिन के टाइम पर इतनी होती नहीं कि बॉयल किया जा सके, गर्म हो सके। तो मैं सोच रही थी कि मैं खाना बनाने के बाद दूध जो है तो वो भी सिलेंडर पर ही गर्म कर लूँगी। और जहाँ पर दूसरी साइड पर मैं बना रही थी आलू चिकन और दाल के जो होते हैं कबाब, टिक्कियाँ जो होती हैं, तो इस तरह से अगर आप चिकन आलू और जो चने की दाल होती है ना, उन सब चीज़ों को मिलाकर बनाएंगे ना, तो इससे भी बहुत ही मज़े के बनते हैं और टेस्टी बनते हैं। तो मैं बना रही थी, क्योंकि सुबह के टाइम ना फिर बच्चों को बड़ी परेशानी होती है। मेरी बड़ी बेटी सुबह को अपना और अपने भाई का, जो दोनों मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं बड़े, तो उनका नाश्ता बनाती है। मतलब वैसे अंडा ब्रेड जैम खा लेते हैं, पर मेरा जो बेटा है ना, तो वो ना पता नहीं क्यों ब्रेड अंडा वगैरह इतना खाता नहीं, उसको रोटी चाहिए होती है, तो फिर इसलिए ना कुछ उनको चाहिए होता है। मतलब कभी शामी कबाब हो गए, कभी कुछ हो गए, तो या फिर कभी प्याज वाला अंडा बना लेती है। तो इस तरह से ना, तो मैं कबाब वगैरह बना कर रख लेती हूँ। तो थोड़े से मैं बना रही थी कि चलो 1-2 दिन के लिए या फिर आज का दिन और सुबह हम खा लेंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ें देखें, जो आप इतनी बिखरी हुई पड़ी हुई है ना, तो मैं जा गई हुई थी ऊपर, क्योंकि मुझे कारपेट वॉश करना था छोटे रूम का, बच्चों के रूम का। तो बेटी को मैंने कहा था कि आप सब लोग अपने कपड़े निकाल कर रख दें, जो जो चीज़ें लेकर जानी। तो ये सारे बेड पर वो कपड़े पड़े हुए हैं जो शादी में पहने जाएंगे, जो मेरे बेटे का 3 पीस है, मतलब मेरे हस्बैंड का यहाँ पर नहीं है, और वो उनका अलमारी में ही है, क्योंकि वो ना उसी दिन आएंगे। मतलब माई वाले दिन भी वो आएंगे फिर चले जाएंगे, और निकाह वाले दिन भी वो आएंगे तो फिर वो चले जाएंगे, क्योंकि मेरे साथ ना वो मेरे बेटे पता नहीं क्यों रहते नहीं हैं, शुरू से ही ना वो रहे नहीं है, तो उनको ना नींद भी नहीं आती। और मैं पहले बहुत ज़्यादा उनको कहती थी, पर उनका यहाँ पर जाहिर सी बात है काम भी है, तो वो मेरे साथ है, कैसे रह सकते हैं वहाँ पर। जैसे मैं जाती हूँ 2-3 दिन रहने के लिए, तो वो रह नहीं सकते। और मैं भी कभी उनको इतना फोर्सली नहीं कहती कि आपने लाजमी रहना है, तो मैं कह रही थी उनको कि आप मेहंदी वाले दिन ना रह जाइएगा। फिर तो उन्होंने कहा था कि चले फिर देखेंगे, अगर ज़्यादा लेट हो गया तो मैं वहाँ पर रह जाऊँगा, क्योंकि दूसरे दिन फिर निकाह ही है। तो यहाँ पर जो सारी चीज़ें हैं, कपड़े हैं बच्चों के, मेरे, और बड़ी बेटी ने मेरी कुछ चीज़ें निकाल कर रख ली थी, और बाकी जो घर के कपड़ों का बैग है तो वो अलग से बनेगा। वो चीज़ें सारी मेरी बेटी ने सोफे पर रखी हुई थी। तो देखिए, इतना खिलारा देखकर मुझे खुद भी चक्कर आ रहा था, और यकीन करें मुझे ये सारी चीज़ें रेस्टेंशन है। तो ये 2 बैग बनाने में मुझे 3.5 से 4 घंटे लग गए थे, और वो इसलिए लग गए थे क्योंकि शादी में पहनने के कपड़ों का अलग से बैग था, और जो चीज़ें और छोटी मोटी ज्वेलरी बच्चों के कुछ चीज़ें वगैरह होती ना, इस तरह की चीज़ों का ना छोटा बैग बनाया था मैंने, शोल्डर बैग था, जो जैसे हाथ में हम उठा के लेकर जाएं। और ये कैप है जैसे छोटे बच्चों के लिए मैंने मंगवाए थे, तो उनके मतलब उनके पिछले साल के ही। और जो देखे ना, एक मेरी बेटी बड़ी वाली पहनती थी, तो उसने इसका ना ऊपर का वो ना जो होता है तो वो भी निकाल लिया है। और 2 बैग बनाने में मुझे 3.5 से 4 घंटे, क्योंकि घर के कपड़ों का तो बैग अलग से ही था, उसमें बच्चों के कपड़े भी थे और मेरे भी कपड़े थे, कुछ अपर वगैरह थे, उनके जैकेट, एक एक चीज़ मैंने ले ली थी। पर ना नए कपड़ों का तो जाहिर सी बहुत अलग से बैग था, जैसे चीज़ें मिक्स ना हो जाएँ, और मैं चीज़ें ना वही लेकर जा रही हूँ जो वहाँ पर मैं मुझे हम सब ने पहननी होंगी। मतलब एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने नहीं ली थी। और जो कफलिंग्स मैंने यहाँ पर अपने साथ इसलिए ली हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड को अक्सर ना मैं चीज़ें रख भी जाती हूँ ना, तो मिलती नहीं है, वो ढूंढते रहते हैं, फिर परेशान होते हैं। तो एक मेरे बेटे की है और एक मेरे हस्बैंड की है, मतलब वो दोनों है ना एक एक पहन लेंगे। मेहंदी में ना मतलब ना सबने ऐसा है कि मेरे भाइयों ने, मेरे हस्बैंड ने, बेटे ने, अबू ने, मतलब ना हमारे बॉस के कस्तूर पहन जाते हैं, और उनके ऊपर ना उनके वो जो कोटी वगैरह होती है, तो वो ली वेस्ट कोट जो होती है, तो उसके साथ में उनको कहा था ये कफलिंग पहनने के लिए। और जो निकाह वाला दिन है, तो निकाह वाले दिन सबने 3 पीस लिए हैं, वो भी सबके एक जैसे हैं।
और तो ना इसलिए मैचिंग के हिसाब से पहनेंगे। तो कफलिंग वगैरह मैं वहाँ पर लेकर जा रही हूँ, अपने मैं पर्स में रख लूँगी, क्योंकि जब मेरे हस्बैंड आएंगे तो उन्हें मैं खुद ही पहनाऊँगी। और यहाँ पर ये मैं कुछ ज्वेलरी निकाल कर दिखा रही थी आपको, वैसे ये वाली ज्वेलरी जो है ना, तो ये मैं मेहंदी में पहनूंगी। और जो मेरे निकाह के ड्रेस की ज्वेलरी है ना, जो मेरे निकाह का जोड़ा है, उसका जो क्लच है, जो वो ड्रेस है, उसके साथ जो और चीज़ें हैं, तो वो सारी ना मैंने अलग से उसका बैग बना लिया है और पैक कर लिए। तो ये वाला चोकर मैंने अभी अभी लिया है, और इस तरह की मेरे पास माला भी है, तो इसलिए मैंने इस तरह का चोकर ले लिया कि चलो मैं माला के साथ उसको पेयर करके पहन लूंगी। और मेहंदी के लिए भी ना मेरे दो ड्रेसेस हुए हैं, तो मैं अब कंफ्यूज हूँ कि मैं कौन सा पहनूँ। अगर ज़्यादा ड्रेसेस शादी के फंक्शन से बनवा दिए जाए ना, तो फिर भी ये प्रॉब्लम बड़ी होती है, अगर कपड़े समझ में नहीं आते। क्योंकि असल में ऐसा है कि हमारी फैमिली में इस मेरी बहन की शादी के बाद एक और भी शादी है, तो इसलिए। और ये वो है, मतलब ये कमरबंद है जो लहंगा वगैरह या स्कर्ट पहनते हैं, तो उसके साथ से पहनते हैं, तो ये लिया था मैंने, मुझे नज़र आ गया था ना, तो ये बड़ा ही अच्छा लग रहा था। वहाँ डमी में एक लहंगा लगा हुआ था, तो उसको ना डमी को पहनाया हुआ था उन लोगों को, है ना, मतलब दुपट्टा पहना के उसके ऊपर, फिर तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था। और भारी भी बहुत ज़्यादा है ना ये, तो ये मैंने वहाँ से ले लिया था। तो बस यही है कि ना दो शादियाँ हैं, तो मैंने कपड़े कुछ ज़्यादा बनवाए हैं, तो फिर चीज़ें मुझे समझ नहीं आ रही। मैंने सोचा कि वहाँ पर मैं जाऊँगी ना, तो फिर मैं दोनों ही जो मैंने दो मैंने लहंगे लिए हैं, तो मैं अपनी बहनों को पहन के दिखाऊंगी, तो फिर जो चीज़ वहाँ पर ज़्यादा सही लगी, तो वो मैं इस शादी में, बहन की शादी में पहन लूँगी। और जो दूसरा वाला मेरा लहंगा है, तो वो मैं पहन लूँगी दूसरी शादी में। तो ये कुछ मेकअप मैंने ज़्यादा नहीं लिया है, क्योंकि मेकअप ज़ाहिर सी बात है पार्लर से होगा, तो थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने ली हैं। और ये अपने साथ देखे मैंने कंघा भी ले लिया। वैसे मेरे मेके वालों के घर में ना, मेरे मेके में ज़ाहिर सी बात है हर चीज़ मुझे अवेलेबल होती है, पर फिर भी मेरी आदत है कि ना मैं अपने साथ चीज़ें रख लेती हूँ सारी अपने काम की। और ये बच्चों ने कुछ ना ऐसे हेयरबैंड्स ले लिए थे, जैसे रात के टाइम पर मेहंदी पहन लेंगे छोटे बच्चे, और ये भी चश्मे वगैरह छोटे बच्चों के हैं। और ये मेरी बड़ी बेटी का क्राउन है, और उसको मैंने लेकर दिया है, पर वो कह रही है कि ये मैं मैक्सी के साथ ही पहनूंगी, और ये वो कह रही है कि चलो मैं देखूंगी अगर मैंने पहना, मतलब चीज़ें अभी ना फिर अभी तक देखे ना डिसाइड नहीं हो रही ये चीज़ें। जो जो ड्रेसेस हमने पहने, तो उनके हिसाब से चीज़ें पहनेंगे, क्योंकि ड्रेसेस हमने एक तो ज़्यादा ही बनवा लिए हैं, वो इसलिए क्योंकि फंक्शंस तो वैसे हमारे 3 हैं टोटल, इतने ज़्यादा नहीं है। तो और एक तो ड्रेसेस ज़्यादा इसलिए बनवाया क्योंकि मुझे मेरे अम्मी यारों ने भी बाद में ड्रेसेस लेकर दिए थे, और मैं बता चुकी हूँ कि दूसरी शादी भी चूड़ियाँ तो ये फालतू मैंने काल कर मेरी बेटी ने रखी थी, क्योंकि चूड़ियाँ दोनों ही नहीं पहनते। मैं भी ये दादी माँ के ज़माने का एक स्वेटर रखा है, और एक नानी माँ के ज़माने का, क्योंकि सर्दी वहाँ ज़्यादा होती है, और घर में कोट वगैरह ना नहीं पहन मुझे कंफर्टेबल नहीं लगता, तो फिर मैंने वहाँ पर जाकर रोना पहनने के लिए ये स्वेटर भी निकाल दिए थे। और ये बच्चों के सॉक्स हैं जो ढेरों ढेर निकाले हुए हैं, अपने भी निकाल कर रखे हुए हैं, क्योंकि सर्दी मुझे भी ज़्यादा लगती है, तो बच्चों को भी, बच्चों का रुमाल और ना इस तरह की चीज़ें भी सारी मैंने निकाल कर रखी हुई थी। और ये देखिए एक अनस्टिच सूट है जो छाका भाई कटा है बड़े सा हो रहे वो घर सही है। और ये कुछ बच्चों के ग्लव्स हैं, और यहाँ पर भी मेरा बेटा जो है ना, तो वो बाल बनवा कर आया था, कटिंग करवा कर आया था, तो वो मुझे दिखा रहा था कि मैंने बाल बनवा लिए हैं, सही है, तो मैं कह रही थी। और ये वो है, ये नथिया बोलते हैं इसको, नोज पिन जो नाक में पहनते हैं, तो ऐसी भी ना हम सब ने ले ली थी, मेरी बहनों ने भी ले ली थी, और मैंने भी, तो ना इसकी ना ये काफ़ी ज़्यादा मुझे बड़ी लग रही थी, तो हम सोच रहे थे कि ना इसकी ना हम कटिंग करवा लेंगे, इसको थोड़ा सा हम छोटा करवा लेंगे। इसके साथ ना वो भी है, टीका भी लिया था हमने, और वो जो झूमर होता है ना, उस तरह का भी लिया था, मतलब चीज़ें हमने ज़्यादा ले ली थी, तो वहाँ कुछ वहाँ पर ही अमियानों के पास ही है। और जो ज्वेलरी हमने माइयों वाले दिन पहन ली है, तो वहाँ भी वो ज्वेलरी अम्मी ने भी ली है, और वैसे मेरे पास भी ना ये इस तरह की ज्वेलरी है पहले से ही, ये मैंने काफ़ी टाइम पहले ली थी, एक शादी थी हमारे यहाँ, तो मुझे मेरी बड़ी अम्मी ने लेकर ही भेजी थी, ये इस तरह के कंगन वगैरह जो होते हैं ना, तो माइयों ड्रेसेस के साथ ना ये बड़ी अच्छी लगी। तो वैसे ये मेरे पास पहले से ही हैं, पर अम्मी कह रही थी कि ना अम्मी ने भी ले लिए हैं ना माइयों के लिए, सबके सेट ले लिए, तो मैं सोच रही थी कि चलो फिर देखूंगी वहाँ से एक जैसा, हम क्योंकि हम सब ने एक जैसी चीज़ें बनाई हैं, तो वहाँ से मैंने पहन लिया, या फिर यहाँ से कुछ चीज़ें पहन ली। तो ये अंगूठियाँ हैं, इसके साथ ना इसके एयर रिंग्स भी थे, पता नहीं वो कहाँ हैं,
और ये शायद कजरा है हाथों में या बालों में लगाने वाला। और इसके साथ ना एक और भी मैंने कजरा लिया था, ये वाला, और ये काफ़ी बड़ा है। ये इस तरह से जैसे चोटी वगैरह में लगाते हैं ना, तो ये मेरी बहनों ने ना, हमने इस तरह की ना वो एक्सटेंशन भी ली हैं। तो अब देखिए हम इसमें से ना जो चोटी बनवाते हैं या फिर वो ऐसे ही खुले बालों में पहन लेते हैं, तो इस तरह से पहन लेंगे। और उसके अलावा माइयों के लिए मैं सोच रही थी कि ना इस तरह की मेरे पास कुछ और ज्वेलरी थी, क्योंकि इस तरह के भी झुमकी वगैरह, ये जब से मैंने ज्वेलरी ली है ना, तो ऐसा इत्तेफाक हुआ है कि इसको ना पहनने का ना, मतलब इस तरह के मैंने ड्रेसेस ही उसके बाद नहीं बनवाया, कोई फंक्शन भी नहीं हुआ था, क्योंकि ये मैंने तब ली थी जब लॉकडाउन था, पिछले साल ली थी। तो ऐसा कोई फंक्शन भी नहीं हुआ जिसमें इस तरह के सजे हुए भरे कपड़ों के साथ ये बड़े बड़े बुंदे झूमर वगैरह, मतलब ये झुमके पहने जाएं, तो ये वैसे ही पड़े हुए हैं जैसे मैंने लिए थे। तो मैं सोच रही थी कि इनको भी चलो देखूं कि अगर इनकी बारी आ गई तो मैं ये भी किसी ड्रेस के साथ पहन लूँगी। पता नहीं क्यों गला भी आज मेरा ख़राब हो रहा है। और एक ये मैंने मुल्तानी सेट लिया था, इसको भी देखें 1.5 साल हो गया है। तो ये मैंने बड़े शौक से लिया था, पर इत्तेफाक ऐसा हुआ है कि ना कुछ भी एक सा फंक्शन नहीं हुआ उसके बाद। और हुई थी एक दो शादियां हुई थी, या उसके अलावा मिलाद तो होता, पर मिलाद में तो इतनी ज्वेलरी नहीं पहनी जाती। तो ये सेट भी वैसे ही पड़ा है, मतलब मैंने इसको हाथ भी नहीं लगाया, पहना ही नहीं है। और या इसके साथ मैं सोचता था कि मैं पूरा अपना रेड ड्रेस बनवाऊंगी, तो रेड जो है ना तो मैंने जोड़ा भी नहीं बनवाया था पूरा, तो ये भी रह गया था। तो चलें ज्वेलरी मैंने ले ली है काफ़ी सारी, और देखो जो मैंने पहली, और ये वाला जो आप ये देख रहे हैं ना, ये दस्तरखान जो इस तरह से लाल कलर वाला है, तो ये अम्मी ने कहा था कि ये लेकर आना, वैसे इसकी किरण ख़राब हो गई, वो इस पर दूसरी हम लगवा लेंगे या लगा लेंगे। तो बस इतना ही था मेरा आज का व्लॉग। उसके बाद मैंने सारी चीज़ें डाल ली थी बैग्स में, तो बस इतना ही था मेरा आज का व्लॉग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह।